अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएस किचन। आज मैं अपने प्रोग्राम में आप लोगों के लिए लेमन बटर फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल, डिलिशियस एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, ईजीली बन जाती है, इससे बच्चे बड़े सब बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने फ़िश फिले ले लिए हैं 500 ग्राम्स, और इसके पर हमने अभी सबसे पहले मैरिनेशन करनी है। सॉल्ट हम डाल देंगे सबके ऊपर, थोड़ा थोड़ा करके हमने सॉल्ट डाल देना है। और अब यहीं पे ही हमने इसके ऊपर ब्लैक पेपर भी सबके ऊपर डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। और अब इसकी साइड चेंज करके हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सॉल्ट डालना है पहले, फिर उसके बाद हमने ब्लैक पेपर डाल देना है। तो हमने अच्छे से इसको मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितनी देर रखना चाहें उतनी अच्छी बात है, उतनी देर के लिए आप रख लें। तो ये देखिए सॉल्ट एंड पेपर लग चुका है इसके ऊपर, और अब इसे हमने साइड पर रख देना है। तो दूसरी तरफ अब आप ये देख सकते हैं, हमने लेमन जेस्ट लेना है, यानी कि लीमू के छिलकों को कद्दूकश करके ले लेना है। किस तरह से लेना है, ये बारीक कद्दूकश हर एक के घर में होगा। इस तरह से लीमू को इसके ऊपर रगड़ के उसका सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर से ग्रीन पार्ट होता है या येलो पार्ट होता है लीमू का, हमने उस वो निकाल के प्याले में रख लेना है। 1 टीस्पून के बराबर हमें लेमन जेस्ट चाहिए होगा। इससे क्या होता है कि बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। और यहाँ पे एक पैन में हमने ले लेना है 2 टेबल स्पून बटर, और ऑलिव ऑयल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस ऑयल यूज़ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि बटर जो है अगर हम अकेले में यूज़ करेंगे तो वो जल जाएगा, तो इसलिए उसके साथ कोई ना कोई ऑयल आप ज़रूर डाला करें। और अब यहाँ पे हमने ये जो फिले मैरिनेट किए हुए थे ये हम इसके अंदर डाल देंगे। एक एक करके हमने अच्छे से इनको डाल देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब इसकी एक साइड को हमने 2 से 3 मिनट कुक करना है, क्योंकि फ़िश ऐसी होती है कि हम अगर इसको ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो बहुत ड्राई हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जूसी जूसी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पकाया कीजिए। और जैसे ही बस थोड़ा सा कलर आ जाए तो इसको टर्न कर लें, जितनी जूसी होगी उतना ही मज़ा आता है। तो बस इसके ऊपर देखें थोड़ा सा कलर आ चुका है, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो गए थे तो हमने इनको टर्न कर लिया है, और इतना ही हम दूसरे साइड को भी देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे हमने टर्न कर लिए हैं। और अब यहाँ पर हमने जो लेमन जेस्ट निकाला था वो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और वो हम डाल देंगे इसमें। तो उससे क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा लेमन का एक फ़्लेवर इसमें आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। और दूसरी तरफ हमने लेमन्स के जूस निकाल देने हैं। मैं यहाँ 2 से 3 लीमू का जूस निकालूंगी, आपके लीमू पे डिपेंड करता है। अगर जूस उसमें ज़्यादा है तो आप 2 लीमू यूज़ करें, नहीं तो फिर 3 भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमारी जब फ़िश रेडी हो जाए, यानी कि अब डन हो चुकी, तो इसके बाद ही हमने इसमें लेमन जूस डाल देना है। ये ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून लेमन जूस होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस ये डालने के बाद हमने हल्का से इसको मिक्स करना है। और अब इसकी जो ये बटर एंड लेमन है इसको हमने ड्राई नहीं करना, ड्राई होने से पहले ही पहले हमने इसको उतार देना है, यानी कि ये जो जूस है इसका ये हमें ड्राई नहीं होने देना है, ये इसके साथ ही इसी तरह सर्व होगा। बस साइड को हमने थोड़ा चेंज कर देना है ताकि इवनली सबके ऊपर लेमन का फ्लेवर आ जाए। फ़िश लवर्स के लिए ये रेसिपी इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब तैयार हो गई ये फ़िश, और खाने में बहुत मज़ेदार बटरी एंड लेमन फ्लेवर जब इसका आता है तो वाकई बहुत अच्छा आता है। और ये वो जो लेमन जूस मैंने अभी आपको बताया था बटर के साथ, तो वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और बस इसको अब आप राइस के साथ खाएँ, जिस चीज़ के साथ खाना चाहें ये आपके ऊपर है। वैसे मैं इसको राइस के साथ सर्व करने वाली हूँ, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, दोनों तरह से खाएं, बहुत मज़ा आता है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी सिंपल सी है लेकिन बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ काइंडली वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मुझे नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।